Let's spread the knowledge of the truth. ने इंजीनियर मिर्जा साहब एक वीडियो बनाई थी कि उन्होंने ये क्लेम किया अपनी एक वीडियो में कि कुरान मजीद में अल्लाह के नाम के बाद सबसे ज्यादा शैतान का नाम आया, बल्कि उन्होंने कहा तमाम नबियों के नामों से ज्यादा शैतान का नाम आया। तो हमने रिजल्ट्स देखे थे, हमने कहा था कि शैतान का लफ्ज अगर आप सर्च करते हैं ना कुरान मजीद के अंदर, तो शैतान का लफ्ज जो है वो 70 मरतबा जो है वो कुरान मजीद में आया। और सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अगर आप सर्च करते हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो कुरान मजीद में 136 टाइम आया। इस पे मिर्जा साहब के जो बास फॉलोअर्स हैं उन्होंने हमें ये बात कही कि हाफ साहब आपने सिर्फ शैतान का लफ्ज पकड़ लिया, आप शैतान के जो दूसरे नाम हैं उनको भी बोलें। चलिए हम शैतान के दूसरे नाम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आ जाएं जी, आप देखें, दिखाएं यहाँ पे, ये शयातीन का लफ्ज़ कुरान मजीद में 18 मरतबा आया, ठीक है, 88 टाइम्स हो गया कुल मिला के शैतान और शयातीन मिला के। तागूत का लफ्ज़ उन्होंने कहा कि जी वो भी हमने डाल लिया, 8 मरतबा आया, ठीक है जी, 96 टाइम्स हो गया। इबलीस का लफ्ज़ उन्होंने कहा जी वो भी आप सर्च करें, वो हमने देख लिया, 11 मरतबा आया। उन्होंने इसके अलावा कहा जी अलवसवास अलखन्नास भी सर्च करें, वो भी एक मरतबा आया। कुल मिला के 110 मरतबा नहीं होता, ये कुल मिला के, और सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 136 मरतबा आया। इन शैतान के तमाम नाम मिला लें, शैतान, शयातीन, इबलीस, तागूत, अलवसवास, अलखन्नास, 110 मरतबा नहीं बनता, और सिर्फ हजरत मूसा का नाम वो कितनी मरतबा आ रहा है, तकरीबन जो है वो 136 मरतबा आ रहा है। फिर आप देखें, सिर्फ उन्होंने कहा था तमाम नबियों के नाम, आप हजरत इब्राहिम का नाम भी तो डालें, 69 टाइम, 70 मरतबा हजरत इब्राहिम का नाम आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आप देखें, कोई तकरीबन 47 मरतबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आया। हजरत आदम का नाम, हजरत शुएब का, हजरत सुलेमान का, फिगर्स कहां तक पहुंच जाते हैं। तो मिर्जा साहब ने बगैर तहकीक एक दावा कर दिया, और उनके ब्लाइंड फॉरवर्ड उनको किस तरह से डिफेंड करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात बनाई, उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब की मुराद शैतान नहीं था, बल्कि शैतानी जो है उसकी शख्सियत थी। तो शैतान की शख्सियत तो कुरान मजीद में जहाँ पे काफिर है, मुनाफिक है, तो उससे मुराद भी शैतान है, जहाँ काजिब है उससे मुराद भी शैतान है। अब ये अजीब बात है, कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून उतरी है, मदीना के मुनाफिकों के बारे में ये कह रहे हैं कि जी उससे मुराद शयातीन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला जिन झूठों पर लानत कर रहे हैं इसे मुराद शयातीन है, यानी इंसानों में झूठों के ऊपर लानत नहीं हो रही। अजीब लोग हैं ना। कहने का मकसद ये है कि इस तरह अगर आप लें तो फिर नबी को भी तो सिफाती इतबार से लें ना। अब आप देखें, सिर्फ नबी को आप सर्च करें, 47 टाइम्स नबी का लफ्ज़ आया, ठीक है। तो नबी का लफ्ज़ जब कुरान मजीद में आता है तो उससे मुराद नबी होता है। रसूल का लफ्ज़ लें, 56 टाइम रसूल का लफ्ज़ आया, तो रसूल का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो उससे मुराद क्या है, रसूल ही होता है। फिर आप सिफाती नाम की बात करते हैं, कुरान मजीद में मोमिन है, मुस्लिम है, मुत्तकीन है, सालिहीन है, शुहदा है, सिद्दीकीन है, मुतसद्दीकीन है, ये सब अल्फाज किसके लिए, अंबिया के लिए अप्लाई नहीं होते। आप देखें कहाँ रिजल्ट्स आपके पहुंच जाते हैं। सिर्फ मोमिन का लफ्ज़ आप देखें कुरान मजीद में 134 टाइम्स आया, तो मोमिन का लफ्ज़ नबी के लिए नहीं आया। मतलब शैतान से मुराद अगर आप जो है वो सिफाती नाम ले रहे हैं, उसकी शख्सियत ले रहे हैं, तो नबी से भी उसकी शख्सियत मुराद लें। तो आप देखें कि नबी के हवाले से तस्करा कहाँ पुरानी मजीद में पहुंच जाता है। फिर अब आप देखें ये जो साहब हैं, अब आप जरा इनकी जो है वो तलफ्फुज़ के ऊपर भी गौर करें। ये मिर्जा साहब को डिफेंड कर रहे हैं, उनके एक भी शैतान के लिए कई जगह पर, और फिर अबलीस बहुत बार आया, फिर शयातीन बहुत बार आया, फिर शैतानो बहुत बार आया, फिर उसके बाद अल्लाह का और शैतान का मुकालमा भी है कुरान में, ठीक है, जिसमें कालू मतलब शैतान ने कहा। अब आप देखें इन साहब ने, इसको दोबारा आप इस वीडियो को सुनिएगा, ठीक है, इन साहब ने कहा मुतकब्बर। अब इनको ये नहीं पता कि मुतकब्बर लफ्ज नहीं है, मुतकब्बिर लफ्ज है। फिर इन्होंने कहा अबलीस, और इनको अबलीस यानी इबलीस का नाम भी नहीं आ रहा सही तरह से प्रोनाउंस करना, और ये कुरान मजीद के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब ये हाल हो गया इस वक्त उम्मत का कि ऐसे ऐसे लोग कुरान के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और ये सब मिर्जा साहब की मेहरबानी की वजह से है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये साहब ये क्या कह रहे हैं कि शैतानों का लफ्ज़ कुरान में आया, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, शैतानों उर्दू जुबान का लफ्ज़ है, ये कुरान में कहाँ से आ सकता है। इन लोगों को अल्लाह से कोई डर और खौफ नहीं आता। कुरान मजीद में ये बात है कि जो ये कहता है कुरान में आया है और वो कुरान में ना आया हो तो ये शख्स अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहा है, और इससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। इन साहब से कहें कि शैतानों का लफ्ज कुरान में से निकाल के दिखाएं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ शैतानों का लफ्ज कुरान में से जो है वो निकाल के दिखाएं। फिर इसी तरह ये साहब कह रहे हैं कि जी कालू का लफ्ज आया कुरान मजीद में शैतान के लिए, वो या कालू, कालू को भी शैतान का नाम बना दिया। अजीब वाहियात किस्म के लोग, कालू के सीगे के ऊपर ही गौर कर लेते, कोई अरबी जुबान के अलग भी जानते होते तो इनको मालूम हो जाता कि कालू का सीगा जमा का सीगा है। शैतान से अगर अल्लाह ने मुकालमा भी किया है तो उसके लिए काला का सीगा इस्तेमाल होगा, कालू का नहीं होगा। मतलब स्टाइल देखें, और इसी तरह
अब आप देखें मिर्जा साहब की वो वीडियो जिसके ऊपर हमने जो है वो पूरा क्लिप बनाया था, देखें ना ये क्या कह रहे हैं। कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है, किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दिखाया। हाँ अब इस हाँ के ऊपर आप गौर कर रहे हैं, उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ है। इस हाँ के ऊपर आप गौर कर लें, इस हाँ के ऊपर आप गौर कर लें, इस हाँ में कितना कॉन्फिडेंस है। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उसी वक्त आता है माजरत के साथ जब सामने बैठी खोते हों, ठीक है ना। हमारे एक दोस्त ने यही कमेंट किया है कि मिर्जा साहब यही समझते हैं कि सामने बैठे हुए सारे खोते हैं लेकिन दुनिया में इंसान भी बसते हैं। तो इंशाल्लाह से हम क्लिप्स बनाएंगे और हमने तफसीली वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद जुबैर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है मिर्जा साहब के अफकार के रद्द में, कि मिर्जा साहब बगैर तहकीक की गुफ्तगू करते हैं, कोई रिसर्च नहीं होती, सिर्फ एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो उन्हें पता चल गया कि जो सामने बैठे हुए हैं उन्हें गोली कराना, उन्हें कहानी कराना बहुत आसान काम है, उनमें ऐसे तो हैं कोई नहीं। अब देखिए ना इस वीडियो को भी, ये हजरत साहब की वीडियो को भी 137 के करीब शेयर मिले हैं। मतलब दुनिया में अभी भी बेवकूफों की कमी नहीं है जो ऐसे लोगों को फॉलो, ऐसे लोगों को जिन्हें इबलीस का नाम नहीं आता पढ़ना, जिन्हें मुतकब्बर, जो मुतकब्बर को मुतकब्बर कहते हैं, जो इबलीस को अबलीस कहते हैं, जो कालू को शैतान का सिफाती नाम बनाए बैठे। इस उम्मत ने इस हद तक गिरना था कि ऐसे लोग जो है वो दुनिया की दीन में जो है वो इमाम बन बैठेंगे। इंशाल्लाह से हम और भी क्लिप्स बनाएंगे जिसमें हम मिर्जा साहब की छोटी छोटी जो है वो ऐसी गलतियां बाजे करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।